एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आदरणीय संत समाज, धर्म प्रेम बंधुओं तथा भक्तमती माता बहनों, अभी आप लोग संतों के द्वारा बहुत ही सुंदर बातें सुन रहे थे। वास्तव में संतों की जो वाणी है वो अमृत है। अमृत 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 है। और उस वाणी को जो सुनेंगे और सुनकर के अपने मन में धारण करेंगे तो क्या पूछना, सुनने में भी अच्छा लगता है। जब उसको अपने जीवन में धारण करते हैं तो कितना अच्छा लगेगा। जीवन में सुनना अलग बात है, लेकिन उसको धारण करना चाहिए। क्योंकि धारण नहीं करेंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं, तो काम नहीं बनेगा। काम तभी बनेगा जब संतों की वाणी को सुने और सुनकर के उसको अपने जीवन में धारण करें। केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनना है ठीक है, लेकिन सुनने की अपेक्षा अपने मन में, अपने जीवन में उसको धारण करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि जीवन में उतारेंगे नहीं, धारण नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। आप लोग सदगुरु श्री विशाल देव को जानते होंगे। बाराबंकी में विशाल साहब एक महान संत नहीं, सदगुरु हो गए हैं। और वो स्कूल नहीं देखे थे, स्कूल में गए भी नहीं थे। और उन्होंने चार ग्रंथ लिखे हैं, भवयान, मुक्ति द्वार, सतनिष्ठा और नौ नियम। वो बोलते गए, उनके शिष्य लोग लिखते गए। वो कलम जो कबीर साहब ने कहा है, मस कागज छुओ नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, और चारों युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। तो कबीर साहब ने बीजक में ये साखी कही है। और साखी मस कागज छुओ नहीं, मैं कागज स्याही कछु छूता नहीं हूँ, कलम कागज कभी पकड़ता नहीं हूँ। जो चारों युगों में सत का महात्म है उसको मैंने मुख से ही जना दिया। कहने का मतलब है कि स्कूल में नहीं गए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इतना महान ज्ञानी पुरुष हुआ है। ज्ञानी कौन होता है? बाहर के विषयों को जान करके, बाहर की किताबों को पढ़ करके विद्वान बनना सरल है, लेकिन ज्ञानी बनना कठिन है। ज्ञानी होता है जो अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। आप 50 भाषाओं के विद्वान बन जाएं और 50 भाषाओं के विद्वान बन जाएं, गृह मंत्री बन जाएं, नेता बन जाएं, और भी तमाम बड़े बड़े पद हैं उनको धारण कर लें, मंडलेश्वर बन जाएं, महंत बन जाएं, लेकिन आपका मन, आपकी इंद्रियां अगर आप में, आपके बस में नहीं है तो आपका सब मिट्टी है, कुछ नहीं है। मन को कितने हम लोग घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, बिना दुर्व्यसन के, बिना तम्बाकू के, गांजा के, भांग के और बीड़ी के कोई नहीं मिलता है। एक मनुष्य मिला, वो कहता था कि महाराज मैं बीड़ी को छोड़ सकता, मैं स्त्री को छोड़ सकता हूँ, लेकिन बीड़ी को नहीं छोड़ सकता। बीड़ी मुझे इतना प्रिय हो गई है, बीड़ी को नहीं छोड़ सकता हूँ, स्त्री को तो मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन बीड़ी को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि लोगों को दुर्व्यसन में, दुर्गुणों में इतना प्रिय हो गया है, इतना अच्छा लगता है। ये हंस है, हंस हंस कबीर साहब, आप लोग कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक को आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे कोई कोई। बीजक को जो कबीर पंथी हैं और बगैर कबीर पंथी भी हैं, सबको बीजक पढ़ना चाहिए।
बीजक में वेदों से परे ज्ञान है। वेद आप पढ़ लेंगे, वेदों में कर्मकांड की बातें हैं और देवी देवताओं की बातें हैं और यज्ञ की और हवन की बातें हैं। बातें उसमें ज्ञान की भी हैं लेकिन कम हैं। लेकिन बीजक आप पढ़ेंगे तो बीजक को पढ़ने से आपको ज्ञान होगा। बीजक सबको पढ़ना चाहिए और एक बार के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सदगुरु श्री विशाल देव कहते थे कि एक ग्रंथ को कम से कम 100 बार पढ़ना चाहिए। अब एक ग्रंथ को आप 100 बार पढ़ेंगे तो उसका कंठ हो गया, याद हो गया, बीजक में क्या लिखा है सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई भी पुस्तक पढ़ें वो कंठ में हो जाएगी। तो इसी प्रकार से बीजक को आप पढ़ लेंगे तो ये आपका जीवन उद्देश्य, जीवन का फल मिल गया, जीवन कल्याण हो गया। बिना पढ़े, बिना बीजक को जाने, बिना बीजक को पढ़े कल्याण होना मुश्किल है। कल्याण करने के लिए बीजक को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और संतों की संगत तो है ये। यहाँ पर साहब जो बना दिए हैं भगत बिसुआ राम, अपना कितने भगत रहे और उसने बना दिया है। धन संपत्ति किसी के साथ नहीं जाती है। अब यहाँ उन्होंने बनाया है, आश्रम बनाया है, कितने संत बाहर से आते हैं, यहाँ संत रहते हैं, उनकी सेवा होती है, कार्यक्रम होता है और आप लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। कितना लाभ है, कितना परम लाभ है। लोग घर गृहस्थी में रहते हैं और एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते हैं। एक राजा था और राजा था वो बड़ा कंजूस था और उसके पास 40 खजाने थे, एक दो नहीं 40 खजाने थे और एक एक खजाने में 40-40 कोठरियां थी। कोठरियां नाम कमरा। 40 खजाने हैं और एक एक खजाने में 40-40 कमरे हैं और उनकी चाबियां इतनी हैं कि एक ऊँटी लाद करके चल सकता था। उस जमाने में ट्रैक्टर तो अभी हुआ है, मेरे सामने आया है। उस जमाने में ट्रैक्टर नहीं थे तो वो ये उस खजाने की इतनी चाबियां थीं कि एक ऊँटी लाद करके चल सकता है। और उस देश में अकाल पड़ा, इतना भयंकर अकाल पड़ा कि जनता त्राह त्राह करने लगी। तो जनता है अपने बाल बच्चों को लेकर के राजा के पास पहुंची। राजा से कही, हे राजन, हमारे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, 3 दिन से इनको अन्न नहीं मिला है, 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। आप राजा हैं, महाराजा हैं, आपके पास संपत्ति है और अनाज भी है, हमारे बच्चों को कुछ अनाज दें, हमारे बच्चों को कुछ द्रव्य भी दें। तो राजा क्या कहता है, ये द्रव्य और अनाज तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं जोड़ करके रखा है, हम इनको कुछ नहीं देंगे। और उसने को सिपाहियों को मार सिपाहियों को बुला करके मार करके भगा दिया। तो दो दिन के बाद में वहाँ मूसा नदी थी और इतना जोर से पानी बरसा कि 24 घंटे लगातार पानी बरसा, तो इतने जोर से बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में राजा भी बह गया और खजाना भी बह गया। तो उसका क्या फल मिला, राजा भी चला गया, खजाना भी चला गया। तो कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने धन को जोड़ जोड़ करके, एक एक पैसा को जोड़ जोड़ करके रखते हैं, वो धर्म में लगाना पाप समझते हैं। धर्म में नहीं लगाएंगे, बाल बच्चों की सेवा में लगाएंगे तो हमारे बाल बच्चे सुखी रहेंगे। ठीक है, बाल बच्चों की सेवा में भी लगाओ, लेकिन हम अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा धर्म में लगाना चाहिए। लेकिन अपना 10वां हिस्सा कौन लगाता है। मैं गुजरात में घूमता हूँ, गुजरात में जाता हूँ। गुजरात के एक भगत हैं, बड़ौदा जिला है गुजरात में, और वहाँ के एक भगत हैं। और वो भगत इतना है कि अपने धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं, 10वां भाग हर साल भंडारा करते हैं, महात्माओं को बुलाते हैं
कपड़ा बांटते हैं, छाता बांटते हैं, और भी बांटते हैं, विदाई देते हैं, तो इस प्रकार से दसवां हिस्सा वो महात्माओं की सेवा में लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कमाओ, ठीक है, कमाना चाहिए, धन कमाना चाहिए, धन धन जो है वो धन में आसक्त नहीं होना चाहिए। धन में लोगों की कितनी बड़ी आसक्ति है, बहुत बड़ी आसक्ति है, धन को जोड़ जोड़ कर रखते हैं कमाने, तो धन कमाना चाहिए, कमा करके उसको दसवां कुछ दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। दूसरे की सेवा में नहीं लगाएंगे तो धन का सदुपयोग नहीं होगा। हर एक वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। धन की तीन गति होती हैं, दान, भोग और नाश। प्रथम दान है और दूसरा भोग। भोग कहते हैं अपने शरीर के निर्वाह में लगाना, केवल अपने शरीर के निर्वाह में लगाना और कहीं पैसा न लगाना, वो भोग। और तीसरा दान भी नहीं करेंगे और अपने शरीर के निर्वाह में भी लगाएंगे, परिवार के परिवार के मतलब उसमें भी नहीं लगाएंगे, तो अंत में उसका नाश हो जाता है, नाश हो जाता है। इसलिए धन कमाना चाहिए, कमा करके अपने शरीर का निर्वाह करो, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करो, अपने पर अपने समाज में भी लगाओ, लेकिन कुछ परमार्थ में लगाना चाहिए। देखो बसुआ राम इतनी जमीन और इतना आश्रम बनवा दिए, कितना बड़ा काम किए हैं। तो इस प्रकार से दान धर्म करना चाहिए। जो दान धर्म करता है, उचित सेवा करता है। अकबर बादशाह का दरबार लगा रहता था। दरबार में एक दिन अकबर बादशाह ने दरबारियों से पूछा, एक रुपया दिया और कहा कि इसमें 300 सौदा ले आओ, चाराना का अब, चाराना का तब, और चाराना का अब और न तब। उस समय में आना दो आना चलता था। इस समय तो भाई ये खत्म हो गया है, रुपया रह गया है। उस समय में आना दो आना, चाराना छः आना चलता था। तो एक रुपया दिया, एक रुपया में 300 सौदा ले आओ, चाराना का अब, चाराना का तब, और चाराना का अब और न तब। तो वो सब दरबारी लोग गए, चाराना का अब, चाराना का तब, चाराना का अब तब, ये तो कोई सौदा ही नहीं है। पूरे बाजार में घूमा, ये कोई सौदा ही नहीं मिली। जब सौदा ही नहीं मिली तो राजा वो मन ही मन में सोचते हैं कि कैसा राजा है, ऐसे सौदा मंगाया है, ये कहीं मिली नहीं है, ये कहीं सौदा है ही नहीं। तब निराश होकर के लौट आए। दूसरे दिन राजा को रुपये दिए कि आपने ये सौदा मंगाई है, ये सौदा तो कहीं है ही नहीं। बीरबल वहीं खड़े थे। बीरबल ने कहा कि सरकार हमको अभी दो पैसा, अभी हम ले आते हैं। उन्होंने एक रुपया दिया, वो 300 सौदा ले करके ले आए। चाराना का अब, चाराना का वो मतलब पेड़ा बर्फी, जो कुछ का मिठाई ले आए थे, उसको आप खा लीजिए, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, शरीर तृप्त हो जाएगा। इसलिए चाराना का अब है, चाराना का तब। उसी बाजार में एक महात्मा रहते थे और वो महात्मा को हमने चाराना विदाई में दिए, वो शरीर के बाद में मिलेगा। और चाराना का अब, चाराना का तब, चाराना का अब और तब, उसी बाजार में एक वेश्या रहती थी। वो वेश्या को हमने दे दिए हैं, वो अब न मिलने वाला न तब मिलने वाला, वो तो बेकार गया। तो कहने का मतलब है, जो दान पुण्य कर लेते हैं वही सार्थक होता है। तो जीवन बहुत अनमोल है, जीवन बहुत अनमोल है। सारे संसार की संपत्ति को एक तरफ रखा जाए और जीवन को एक तरफ रखा जाए, लेकिन सारे संसार की संपत्ति जीवन के आगे नहीं तोड़ सकती, क्योंकि संपत्ति है वो क्षणिक है। जब मरेंगे तो एक एक पैसा भी दे, एक पैसा भी नहीं जाएगा, न तो कपड़ा जाएंगे। जीव अकेला आया है, कुछ लेकर के नहीं आता है, अकेला आया है, न कपड़ा न लगता, एकदम नंगा होकर के आया है, नंगा होकर के जाना है, कुछ साथ में जाने वाला है ही नहीं,
लेकिन यहाँ आकर के लोग क्या क्या करते हैं, क्या कितना जीवन को अपना बिगाड़ लेते हैं। जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, ये सुधार करने के लिए मिला है, ये जीवन के कल्याण करने के लिए मिला है, ये साधना करने के लिए मिला है, ये सत्संग करने के लिए मिला है, लेकिन इसमें साधना सत्संग के चूल्हे में रख दिया है, ताक में रख दिया है। कितने लोग जीवन भर हो जाता है वो सत्संग में जाते ही नहीं। वो कहते हैं सत्संग में जाने से क्या मिलेगा, अगर हम खेती करेंगे तो हमको अनाज मिलेगा, सर्विस करेंगे तो हमें को धन मिलेगा, और इन महात्माओं की संगत करने से समय बर्बाद होगा, क्या मिलेगा। संतों की संगत में जाएंगे, संतों की संगत में जाएंगे तो आपको वो धन मिलेगा। संसार में कहीं धन कहीं चले जाओ वो धन मिलने वाला नहीं है, वो अविनाशी धन, अविनाशी आत्मा का धन, अविनाशी का बोध मिलेगा, अविनाशी का ज्ञान मिलेगा। और जब अविनाशी का ज्ञान मिलेगा तो आप कहेंगे ये कहाँ तक अभी तक भूले रहे, आप स्वयं महसूस करेंगे कि कहाँ अभी तक हम भूले रहे, कहाँ विश्व में पड़े रहे, कहाँ संसारिकता में पड़े रहे। ये हमारे जीवन में तो शांति का खजाना है, हर एक मनुष्य के जीवन में शांति का खजाना है। बाहर शांति नहीं है, शांति अंदर में है, लेकिन अब विश्व में पड़े हैं, राग देश में पड़े हैं, घर गृहस्थी के जाल में पड़े हैं, और न मालूम कहाँ कहाँ पड़े हैं। कबीर साहब ने तो कहा है कि बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, एक बेचारा जीव न मालूम कितने प्रकार के बंधनों से बंधा है, कितना बंधन है। लोग तम्बाकू को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बीड़ी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो सब करना चाहिए, तो सब करना चाहिए तो विष क्यों नहीं खा लेते हो, विष भी तो मिला है, विष भी खाना चाहिए। तो कहने का मतलब है मनुष्य जीवन महान है। महाभारत आप लोग पढ़े होंगे, महाभारत में आया है गुह्यम ब्रह्म तद्धिम ब्रह्म नहीं मानुषात मनुष्यतम ही श्रेष्ठम, यानी मनुष्य का जीवन इतना महान है कि बहुत आप भी परमेश्वर हैं, परमेश्वर कोई ऊपर नहीं है, आप भी देवी हैं, आप भी देवता हैं, ये देवियां हैं, ये देवता हैं। आप गीता पढ़े हैं, गीता में 16वें अध्याय में देवियों के और देवताओं के लक्षण बताए गए हैं। जो देवी समता के लक्षणों को धारण कर लेता है वही मनुष्य है, वही देवता कहा जाता है। और जो नारियां हैं देवी समता के लक्षणों को धारण कर लेती हैं वही देवियां हैं। देवी देवता कोई ऊपर आकाश में नहीं है। जो आप लोग सोचते हैं कि ऊपर आकाश में देवी देवता हैं, हनुमान हैं, उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। बंधन तो हमने बनाया है, बंधन के बनाने वाले तो हमें, बीड़ी पीने वाले हमें, शराब पीने वाले हमें, गांजा खाने वाले गांजा पीने वाले हमें, चोरी करने वाले हमें, व्यभिचार करने वाले हमें, सारा कुकर्म करने वाले हमें, और सारा कुकर्म करने वाले भी हमें, और सारा जो है कुकर्म को छोड़ करके, सारे बंधनों को छोड़ करके अपना कल्याण करने वाले भी हमें। तो मनुष्य है, मनुष्य महान प्राणी है, कितना उसने ईजाद की है, कितना उसने खोज की है। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पद मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में, भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में एक स्वयं का नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। अगर मनुष्य अपने जीवन में ठान लेगा तो संसार नहीं, भारत नहीं, विश्व के इतिहास में अपना नाम अमर कर सकता है। आप जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। मनुष्य शरीर ऐसा है कि जैसा आप चाहेंगे वैसा बन सकते हैं। एक मनुष्य था, वो अपना गर्मी का समय था, जा रहा था, जीठ का महीना था, नीचे भी तप रहा था, ऊपर भी तप रहा था,
तो वो सोच रहा, वो आगे जाता है तो एक कल वृक्ष मिला। वो कल वृक्ष के नीचे बैठ गया और वो कल्पना करता है कि यहाँ पर एक घड़ा बढ़िया जल आ जाता, मीठा जल आ जाता तो कितना सुंदर रहता, हम पानी पी करके और प्यास को बुझा लेते। इतने भी एक घड़ा पानी आ गया, उसने पी लिया और तृप्त हो गया। फिर वो सोचता है कि मैं दूर से चल करके आया हूँ, दूर से चल करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, यहाँ पर एक तालाब फंस जाता तो कितना सुंदर रहता, हम उसमें स्नान भी करते, मेरी थकावट दूर हो जाती और कपड़े भी धोते। इतने में एक तालाब फंस जाता है, पानी से भर जाता है। वो अपना गया, स्नान किया, कपड़ा धोया, कपड़ा धो करके स्नान करके आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अब बैठ जाता है तो कल्पना करता है, भोजन स्नान के बाद में भूख लगती है, उसको भूख लगी और वो सोचता है कि एक थाली बढ़िया बढ़िया व्यंजन आ जाता तो कितना सुंदर रहता, हम अपना भोजन करके और अपना भूख भी मिटा लेते। इतने में एक थाली व्यंजन आ गया, भोजन करने लगा, भोजन करके भूख को मिटा लिया। भोजन के बाद में आराम की ज़रूरत पड़ती है, आराम की ज़रूरत पड़ती है, आराम करने के लिए अब वो सोचता है कि यहाँ पर एक पलंग आ जाता, एक गद्दा आ जाता, तकिया आ जाता, चादरा आ जाता तो कितना सुंदर रहता कि हम उसमें आराम भी कर लेते। इतने में वो गद्दा आ गया, तकिया आ गया, पलंग आ गया, आराम करने लगा। अब वो सोचता है कि मैं दूर से चल कर के आया हूँ, थक गया हूँ, मेरे पैर दबाने के लिए कोई नौकर आ जाता तो अच्छा होता। तो वहाँ पर नौकर आ गया, उसके पैर दबाने लगा। अब वो सोचता है कि यहाँ पर कोई बड़े पुरुष ना आ जाए, कोई दरोगा और पुलिस ना आ जाए जो कि हमको मार करके भगा दे। इतने में एक थानेदार आ गए चार सिपाहियों को लेकर के और उसको मार करके भगाए भगाया। वो सोचता है कि यहाँ पर कोई भगाए के जब आगे जाता है तो वहाँ जंगल था, बहुत घना जंगल था और उसमें शेर रहते थे, कोई शेर ना आ जाए जो हमको खा न ले। इतने में शेर आ गया, उसको खा लिया। तो दृष्टांत है, तो काल्पनिक दृष्टांत तो सभी काल्पनिक होते हैं। भाव ये है कि वो पेड़ के कल वृक्ष है, वो कोई ऐसा कल वृक्ष नहीं होता है जो कल वृक्ष के नीचे आप कल्पना करें, जैसे कल्पना करें उतना हो जाएगा, ऐसा कल वृक्ष कहीं नहीं है। वो शास्त्रों में दिए हैं, वो झूठा दिए। मनुशरीर कल वृक्ष है, मनुशरीर कल वृक्ष है, इसमें आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे हो जाएंगे। आप शिक्षक की कल्पना कर जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, डॉक्टर की कल्पना करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, वकील की कल्पना करेंगे, वकील बन जाएंगे, नेता की कल्पना करेंगे, नेता बन जाएंगे, और संत महात्मा की कल्पना करेंगे, संत महात्मा भी बन जाएंगे, और इसमें चोर और बदमाशों की कल्पना करेंगे, चोर बदमाश भी बन जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है। हमें आज मनुशरीर मिला है, हम जैसा बनना चाहें वैसा हम बन सकते हैं। न कोई ऐसा भगवान है जो हमको स्वर्ग में ले जाए और अच्छे पद पर ले जाए, न कोई ऐसा शैतान है जो हमको नीचे गिरा दे, न कोई ऐसा शैतान नहीं है जो हमको नीचे गिराने वाला, और न कोई भगवान है हमको ऊपर उठाने वाला। ये कल्पना है। भगवान शैतान के लोग चक्कर में पड़े हैं, हमारी जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं, यही शैतान है, क्योंकि हम जो हैं इंद्रियों के चक्कर में पड़े हैं, इंद्रियां जड़ हैं। कितने भगत हैं वो इंद्रियों को भी नहीं जानते हैं, मन को भी नहीं जानते हैं। कबीर पंथ में आ गए हैं लेकिन उनको कोई बोध ही नहीं है। अरे भाई, बोध प्राप्त करना चाहिए कबीर पंथ में आकर के, और बीजक को पढ़ना चाहिए। बीजक को आप पढ़ेंगे तो सारा बोध हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा पांच तत्व हैं, पांच तत्वों की पांच इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच पच्चीस प्रकृतियां हैं, पांच विषय हैं। यही तो बंधन है। इसी बंधन में ये हमसे अलग है, ये अलग है। हम चेतन है, हम शुद्ध बुद्ध है, अविनाशी है, आत्मा है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा में कोई विकार नहीं है। आप बिल्कुल निर्विकार है, आपके अंदर में कोई विकार नहीं है।
लेकिन आप मन के चक्कर में पड़े हैं, आप इंद्रियों के चक्कर में पड़े हैं, मन के चक्कर में पड़ करके, इंद्रियों के चक्कर में पड़ करके सारी दुर्दशा हो रही है, सारी दुर्दशा हो रही है, सारे कर्म हो रहे हैं, लेकिन उसको कर्म को नहीं छोड़ना चाहता है। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, और धर्म हमारा अच्छा है तो घरे में मथुरा काशी है, घरे में मथुरा काशी है, और कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बना अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगाड़ लिए तो गले में यम की फांसी है, कर्म धर्म दोनों बिगाड़ लिए तो गले में यम की फांसी है। तो हम जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। कबीर साहब ने कहा है, हंसा तू तो सबल था, सबल नाम सरसमान था, तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं, कोई ब्रह्म नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई मालिक नहीं जो हमको गड्ढे में डाल सके, और कोई ऐसा शैतान नहीं है जो गड्ढे में डाल दे, तो कोई ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, तू तो सबल था, सर्वसम्मान था, तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन हल्की अपनी चाल, इसने अपनी चाल को, चाल का यह आचरण को हल्का बना लिया। कितना हल्का हो गया है, एक बीड़ी को भी त्याग कर पाता है, वो बीड़ी पीता है, पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, वो पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट पीते हैं, पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने का मतलब है दुर्गुणों को धारण करना, पढ़े लिखे लोग सिगरेट पीते हैं, और लोग जो बीड़ी पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, दुर्व्यसनों का कबीर पंथ में आकर के कोई भी दुर्व्यसन नहीं होना चाहिए। कितने लोग आते बंदगी करते हैं, उनके हाथ रंगे रहते हैं क्योंकि तम्बाकू खाते हैं, हाथ हाथ जो है वो सफेद सफेद दिखाई देता है। कबीर पंथी होकर के तम्बाकू खाना, कबीर पंथी होकर के बीड़ी पीना, कबीर पंथी होकर के और दुर्गुणों में पड़ना, ये बहुत गलत है। कबीर साहब ने कहा कि जो तू चाहे मुझको छाण, सकल की आस, सबकी आशाओं को छोड़ दे, कोई भी आशा नहीं, जो तू चाहे मुझको छाण, सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहे जैसे हमें तैसे हो रहा है, सब सब तेरे पास, जो तू चाहे मुझको, और एक साखी है याद नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य आज हमको मानव जीवन मिला है, तुम्हें सब पता ही नहीं है, हो गया, हाँ, तो आज हमको जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब आपके अच्छे कर्म थे, पूर्वजन्म के कर्म थे, तब मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। अभी तीन खाड़ियों में जाते, पशु पक्षी में जाते तो देखो कितनी परवस्था है, वहाँ कल्याण नहीं कर सकते हैं, मनुष्य शरीर में ही कल्याण होता है। इसलिए आज यहाँ पर आए हैं, मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में संतों की संगत करो, सेवा करो, और दुर्व्यसनों का त्याग करो, दुर्गुणों का त्याग करो, और दुर्गुणों का त्याग करके और बोध, जो बोध है, बोध नाम ज्ञान, ज्ञान ये है कि शरीर है असत्य है, शरीर छूटने वाला है, शरीर के अंदर में जो मैं तू कहने वाला है, बोलने वाला है, वो सत्य है। जब 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 लग बोला तब लग डोला, दोनों धन व्यवहार बीजक में आया है, जब लग बोला तब लग डोला, दोनों धन व्यवहार, और डोला बूढ़ा बोला गया कोई न जाके द्वार, जब लग बोला तब लग ढोला, जब लग बोला है बोलने वाला चेतन देव आत्मदेव निवास करते हैं, तब तक सभी लोग प्रेम करते हैं, और ढोला फूटा बोला निकल गया, ढोला फूट गया, कोई न जाके द्वार, कोई उसके मुख को द्वार ना मुख को नहीं जानता है, सब कहते भैया मिट्टी पड़ी है, जल्दी करो जल्दी करो, और जो कोई आवे बेग चलावे पले रह ना पाए। जो कोई आता है वो कहता है जल्दी करो, एक पल भी नहीं रहने देता है। तो समय है, बहुत मूल्यवान है, और आज मनुष्य मिला है, मनुष्य में सेवा करके, संतों की सेवा करके, सत्संग करके,
और ज्ञान वैराग्य को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में हमने वाणी को